नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक स्पेशल डिश जिसका नाम है चिकन चौचौ। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से चिकन चौचौ बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप आज आपके सामने बताया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्याज को इस तरीके से बारीक काट लेते हैं और इसका एक एक स्टेप हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस तरीके से हमने चिकन को अच्छे से धुल लिया, ये देखिए, और यहाँ प्याज कटा हुआ है। अब मैं बताऊँगा आपको कि ऐसे कैसे बनता है एक एक स्टेप। तो पहले हम चिकन को अच्छे से पानी से बढ़िया तरीके से धुल लें और उसको एक बर्तन में डाल लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। प्याज तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल लिया हूँ और ये थोड़ा दही, और इसको मैं मिक्सर चलाऊँगा। तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाला हूँ। इसके बाद मैं ये गार्लिक पेस्ट है, ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं, इसमें गार्लिक पेस्ट डाल दिया हूँ। और इसमें भी मैं ये लहसुन डालूँगा और थोड़ी हरी मिर्च। इसके बाद इसको मैं ग्राइंडिंग करूँगा मिक्सर से। तो चलिए देखते हैं जी। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है और ये थोड़ा सा लहसुन, तो हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं ग्राइंड। तरीके से बिल्कुल पीस के तैयार है, आप देख सकते हो। और अभी हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। सब हमने अपना गैस ऑन कर रखा है और ये देखिए इसमें हमने ये तेल डाल दिया ताकि तेल गर्म हो जाए। इसके बाद तेल डालने के बाद अगर तेल आपका प्रॉपर गर्म हो गया हो तो आप इसमें ये मिर्च और ये तेज पत्ता, इसको बोलते हैं, ये आप इसमें डाल दो। देखिए तो इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो हमारा तेल अच्छे से बॉयल हो चुका है और इसमें जो हमने जीरा मिर्च वगैरह डाल रखा है, इससे आप ये धुआं धुआं सा भी आ रहा है। तो अब जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें प्याज डालकर फ्राई करेंगे। तो चलिए हम डालते हैं इसमें, ये देखिए हमारे पास ये जो प्याज है इसको डालकर फ्राई कर देते हैं। सावधानी से थोड़ा करेंगे दोस्तों, क्योंकि तेल आपके हाथ से न पड़ जाए, तो इसका ध्यान रखेंगे। उसको तेल को डालकर और फिर आप इस तेल में आप प्याज को डालकर प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर आप देखोगे जो आज हम बना रहे हैं तो आप देखते रहे हमारे पास। तो गाइस अभी हमने ढका था, चलिए देखते हैं क्या पोजीशन है इसका। तरीके से हमने थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन डाला था, ये तो ब्राउनिश कलर आ चुका है। गैस प्याज थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा फ्राई होने से जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ी देर और इसके लॉक को थोड़ा तेज करते हैं यहाँ से, और इसके बाद इसको थोड़ा और फ्राई करते हैं ताकि फोटो फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट खाने में अलग ही मज़ा आएगा। फ्राई करते हैं ताकि प्रॉपर ब्राउन हो जाए, क्योंकि चीज़ अभी भी ये ब्राउन अच्छे से नहीं है। फ्राई करके फिर बताता हूँ। प्याज भुज चुका है और हम इसमें चिकन डालकर उसको भी फ्राई करेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें चिकन डाल दिया और इसको प्रॉपर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चिकन तरीके से अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा धीमी आँच पे, ताकि प्रॉपर पक सके। ये देखिए धीमी आँच पे हम यहाँ से थोड़ा सा और आँच कर, बिल्कुल हल्की लो पे, हल्की फ्लेम पे यहाँ से देख रही है, ये थोड़ा हल्का इसको बढ़ाने ऊपर पक्चर से और इसको आराम से आप बनाएं। इसको चिकन चौचौ आज हम आपको
आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से चिकन चौंचा बनता है। और इसको भी आप थोड़ी देर छोड़ दें ताकि प्रॉपर पक जाए, और इसको इसमें डालकर इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। जब तक वो पक रहा है तब तक हम इसमें अब कुछ मसाले ऐड करते हैं ताकि हमारा मसाला भी तैयार हो जाए। लेकिन इसमें है लाल मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। जितना आप चाहे तो 1 टीस्पून लाल मिर्च डालता हूँ, इसमें 1 टीस्पून किसी भी सॉस और डाल देता हूँ। और इस तरीके से आप डालकर ये तीनों का मिक्सर और ये मसाले बढ़िया से डालकर और फिर आप इसको इसमें डालेंगे। इस मसाले को बिल्कुल बढ़िया फूल देते हैं, थोड़ा सा ये जो आपके कैमरा पता रखा हो अपने मोबाइल, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल उसको मिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हाथ में फ्रेम नहीं और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके बाद जब मसाले मिक्स हो जाए तो इसमें आप ये देखा रेस्ट का चिकन मसाला है, इसमें हम धीरे थोड़ा सा डालते हैं इसको अपने स्वाद अनुसार, ताकि ये भी अच्छे से मसाले का है कि अगर आपको बढ़िया से भून जाए तो फिर मज़ा आता है, पर इसके स्वाद तभी इसका मज़ा आता है। तो आप हम कोशिश करेंगे मसाला अच्छे से भून जाए, तो अगर हमने ये डाल दिया इसको भी बढ़िया से हम क्या करेंगे। तो ये एवरेस्ट का चिकन मसाला हमने सेल्फ मार्केट में तेल के साथ डालकर फिर इसको हम बढ़िया इसको ब्लैक मिक्स कर लेते हैं भून जाए। तो आप इसमें अपने मसाला जो भून जाए तो अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब नमक डालने के बाद उसको बढ़िया से आप मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर आप इसमें ये देख रहे हो टोमेटो केचप है, इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डालोगे और आप देख लो ये चिकन चौचा में टोमेटो केचप आप लास्ट में डालेंगे मेरा पता टेस्ट करने से टोमेटो केचप डाल दिए सर और इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। सिरके लगभग चिकन चौंचा बन के लगभग तैयार हो जाए, सिरके लगभग चिकन चौंचा बन के तैयार है। और थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगा उसका टेस्ट उसके बाद क्या आ रहा है इसका, मतलब आप क्या बताएँ मज़ा थोड़ी देर इतना खुशबू उसका तैयार है तो खाने में क्या मज़ा आएगा। इसमें हम आपके गरम मसाला जो लास्ट में है वो डालूँगा तो इसको खाने के लिए परोसेंगे। देखिए ये चिकन चौंचो लगभग बनकर तैयार है, तो हम इसे टेस्ट करते हैं। और ये किसी किसी को ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद होता है, किसी किसी को इसमें ग्रेवी भी चिकन चौंचा में अच्छा लगता है, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। चिकन चौंचो कुछ पीस निकालते हैं जैसे ये पीस, और मैं इसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। और अगर आप चाहते हो इसमें ग्रेवी डालो तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर
आप इसको चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, जो काफ़ी अभी खुशबू आ रही है बढ़िया इसके, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे ग्रेवी भी बना सकते हो, जो आपको ग्रेवी बना के बता। और इससे पहले मैं आपको ये जो है इसको मैं टेस्ट करके बताऊँगा। अगर आप इस पर ग्रेवी बनाना चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं, बाकी ऊपर ग्रेवी बन गया, क्योंकि बहुत लोग चिकन चाउंडा और ग्रेवी के साथ खाना पसंद करते हैं। इतना ग्रेवी आप खाएं तो उसी के अंदर पानी लगा दीजिए। अब गाइस जब हम टेस्ट करेंगे, चलिए टेस्ट करते हैं। आइए साहब आप भी आइए। वाओ गाइस, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट है और मैं अपने दोस्तों को भी खिला रहा हूँ। ओके गाइस, सब लगभग बनके तैयार है। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे, तो इस पर हम गरम मसाला डाल देते हैं ताकि थोड़ा टेस्ट और बढ़िया हो जाए। चिकन चौचौ का एक खासियत है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसमें इतने अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट डलते हैं कि आपको खाने से पहले ही इसका मज़ा आ जाता है। तो इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर देते हैं। देख सकते हो किस तरीके से हमने धनिया पत्ता ऐड किया। और अब ये लगभग बनकर बिल्कुल तैयार है, अब इसको चाहो तो आप खा सकते हो। तो चलिए आप भी इसी तरीके से अपने घर में बना सकते हो चिकन चौचौ। आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।